बड़वानी थाने में सहारा इंडिया के युवक रॉय और अध्यक्ष सपना रॉय सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार पानसेमल निवासी बलवंत नामक व्यक्ति ने शिकायत आवेदन दिया था कि सहारा इंडिया में उनके द्वारा निवेश किया गया था। जब पैसे लेने की बारी आई तो कंपनी द्वारा नहीं दिए गए, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की, जिसमें पाया गया कि सहारा इंडिया ने हितग्राहियों से करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की। इसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इनकी गिरफ्तारी करेगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सारा कंपनी को लेकर सर क्या मामला है? ये परवीन खलान ने जो पानसेमल के हैं, इन्होंने शिकायत दिया था कि जांच पूरी जो है श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई थी, और जांच के उपरांत जो है सहारा इंडिया के जो चेयरमैन है सुब्रत राय सहारा और उसके प्रेसिडेंट सपना राय और इस प्रकार से कुल 10 लोग हैं जिन पे अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 420 467 468 471 आईपीसी के अंतर्गत। करीब 4 करोड़ रुपए का इनने निवेश लोगों को जमा किया था और मैच्योरिटी पूरी होने पर अभी तक रिटर्न नहीं किया गया। इस प्रकार से इन्होंने धोखाधड़ी की है तो ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। सर आरोपी हिरासत? नहीं, आरोपी जो है जल्द ही हिरासत में होंगे, पुलिस टीम बना दी गई है, इनको गिरफ्तार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।